हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है एक क्वेश्चन जो आपने टाइटल में पढ़ा है, क्या उन्हें पछतावा है। तो मैं एक 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 करके जितने सारे सवाल हैं वो लेते जा रही हूँ, एज मच एज़ पॉसिबल जितना हो सके मैं करने की कोशिश कर रही हूँ सवालों के जवाब। रीडिंग ये टाइप की है ना, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बेस छोटी होंगी ताकि आपके सारे सवालों को जितने हो सके जवाब मिल सके। हो सकता है ना कि कुछ सवालों का जवाब आपको मिल ही जाए। तो रीडिंग चाहे जो भी हो, मेरा इंटेंशन तो आपकी हीलिंग है इनडायरेक्टली से ही। तो लेट्स सी क्या निकल के आता है, कि क्या उन्हें पछतावा है जिनके बारे में आप सोचते हो, जिनके साथ आप कनेक्टेड हो, तो क्या उन्हें पछतावा है आपसे दूर होने का, सेपरेशन होने का, आपको तकलीफ देने का, धोखा देने का, जो भी है। तो लेट्स सी। और ये है सो काफ़ी ज़्यादा क्लियर रीडिंग है। और सी, ट्रू लव इज़ अ बॉटम डेक। सो कार्ड्स जो आए हैं वापस, अगर आपको दिख नहीं रहे तो मैं बता दूँ, बॉटम डेक है ट्रू लव की एनर्जी। यहाँ पे है इन्फैचुएशन, सेपरेशन, ट्विन फ्लेम, टेलीपैथी, केमिस्ट्री, सॉलिट्यूड एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट। काफ़ी गहरी और डीप रीडिंग है। तो आपको अगर लग रहा है ना कि उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है और जिस तरह इनका बिहेवियर है, तो ऐसी हो सकता है ये टेम्पररी फेज हो, नई नई बात हो या कुछ तो हो सकता है। बट अगर आप इस रीडिंग, इस एनर्जी की बात करें तो ये रीडिंग एनर्जी यही कहती है ट्रू लव, सोल कॉन्ट्रैक्ट, ट्विन फ्लेम, टेलीपैथी, वो सब चीज़ें। कि सेपरेशन दिख रहा है, किस में दिख रहा है, ट्विन फ्लेम से, ट्विन फ्लेम या सोल, जो सोलमेट से, हायर लेवल अप जो सोलमेट्स होते हैं वो कितने ज़्यादा सच्चे दिल वाले और वो है, बट उनमें सेपरेशन ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप लोग एक दूसरे के लिए जब साथ में आते हो ना, तो आपकी एनर्जी, स्पेशली आपकी एनर्जी उनको किसी भी चीज़ के लिए ना ट्रिगर नहीं करती, किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं, लेकिन वो जो चाहे वो हो जाता है, इतना हो जाता है कि वो आपसे थक जाते हैं, कि आप कुछ ज़्यादा ही झुकते हो, ये कहीं ना कहीं फील होता है। डायरेक्टली उनको नहीं कहना है, डायरेक्टली वो समझ नहीं पाता, बट ऐसा लगता है कि आप में वो एक चैलेंज नहीं है, वो काइंड ऑफ फीलिंग में आ जाते हैं। एंड वही चीज़ मुझे ऐसा फील होता है ना कि ये जो सोल कनेक्शन है ना, फिर उसमें आता है सेपरेशन। सेपरेशन की वजह जो भी हो, रीजंस चाहे जो भी होते हैं, बट मेन रीज़न ये है कि आप लोग को एक दूसरे का जो ट्रिगर करना है एक पॉइंट्स पे, और उसी के लिए आप जब काम करते हो, जैसे आपको अकेले पढ़ने से डर लग रहा था, जैसे उन्हें अकेले पढ़ने से डर लग रहा था, हर चीज़ ना आपको वही फेस पे, वही सिचुएशन में डाला जाता है। आप डिसीजन लेने में कमज़ोर थे, आप अपने आप को संभालने में कमज़ोर थे, आप अपने फाइनेंशियली ग्रो में, आपको में विश्वास नहीं था कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। हर चीज़ जो आपने कभी सोची भी नहीं थी वो करनी पड़ रही है, और वो इसीलिए है क्योंकि वो जो ट्विन फ्लेम है, वो जो सोल है, वो आप ही का एक दूसरा हिस्सा है, आप ही के लिए बना है, और वही चीज़ वो ट्रिगर करके आप में वो चेंज, वो आप में ट्रांसफॉर्मेशन, वो जो खूबसूरती है, वो जो मिसिंग है, जो आप खुद भूल गए हैं अपने अंदर, वो लाना चाहता है। तकलीफ दर्द वो भी है, लेकिन क्यों? क्योंकि ये बदलना है। आपको लग रहा है कि सिर्फ आप ही तकलीफ दर्द फील करते हैं, ऐसा नहीं कि इन्होंने कभी तकलीफ दर्द फील नहीं किया है, तकलीफ दर्द वो भी फील करते हैं, लेकिन कभी जब उनके कार्मिक पैटर्न्स रिलीज होते हैं, क्योंकि जब कार्मिक सिचुएशन पार्टनर के साथ होते हैं ना, तब उनके लिए तो कुछ चीज़ें मायने नहीं रखती, एक रहता है दिल में, रहता है कि आप लोग का एकदम डिफरेंट कनेक्शन है, लेकिन वो ट्रिगर नहीं होता, क्योंकि वो भी किसी छल में या इल्यूजन में जीते हैं। तो जब तक आपको आपका जो टाइम नहीं आता ना एक दूसरे के लिए वापस मिलने का, जैसे डिवाइन टाइम कहते हैं, तो वो तब तक एक दूसरे को ट्रिगर किया जाता है ताकि बदलो आप। और जब इनर वर्क होता है, बदलते हैं आप, तो डेफिनेटली यूनियन हो जाता है। तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि
उन्हें पछतावा है अपने सच्चे प्यार को खोने का, अपने ट्विन फ्लेम से सेपरेट होने का, अपने सोल से डिफरेंट दूर होने का। ये बहुत अकेला फील करते हैं। आपके साथ जो एक केमिस्ट्री है, आपके साथ जो बिताए पल है, आपके साथ एक रिश्ता है खूबसूरत, वो उसे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपके लिए अट्रैक्टेड भी उतना है। अब ये अट्रैक्शन मैग्नेटिक, इनको प्रैक्टिकल लेवल पर खींचा जाता है, प्रैक्टिकल लेवल पर खींचा जाता है, आपको सोल लेवल पर खींचा जाता है। तो वो सारी चीज़ें दिख रही है, तो डेफिनेटली इनको पछतावा है, इन्होंने गलती की। शुरू में नहीं था, सच में शुरू में नहीं था कि मतलब उनको रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि आप लोग का कनेक्शन कितना स्पेशल है और आपके लिए वो क्या फील करते हैं, वो समझ नहीं पाए थे। तो शुरू में कुछ नहीं था, लेकिन अभी इस एनर्जी की बात करें तो यस, जो भी पर्सन के बारे में रीडिंग सोच के आप रीडिंग देख रहे हैं तो उनका डेफिनेटली पछतावा है। उनको अपने सच्चे प्यार का खोने का पछतावा है, अपनी ट्विन से दूर होने का पछतावा है, यस, अपनी खूबसूरत रिश्ते को खोने का, वो खूबसूरत पलों को खोने का पछतावा है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स।